इस जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा कौन है? सर कोई तख्त बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। तमिलनाडु के एक गांव में किसान अपनी संपत्ति को बेचना चाहता था क्योंकि वो अपने कर्ज को चुकाना चाहता है और ये चुकाने के लिए वो सब रजिस्टर ऑफिस जाता है और जब सब रजिस्टर ऑफिस जाता है और वो संपत्ति की डिटेल निकालता है तो पता चलता है उसकी संपत्ति जो कि उसकी पूर्वजों की थी वो अब उसकी है ही नहीं। वो संपत्ति एक ऐसे बोर्ड के नाम है जो अस्तित्व में है ही नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, और वो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड। अब इसे क्या करना होगा? इसे अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा और वहाँ से इसको NOC लानी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी संपत्ति आपकी है ही नहीं, वो वक्फ बोर्ड की है, तो आपकी नहीं, मेरी नहीं, और चाहे अंबानी क्यों ना हो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सर की तो छत तो चले ही गया। लेकिन जो सबसे मजेदार रहा वो हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया। नमस्कार साथियों, मैं राजवीर शुक्ला आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जिसमें हम इस वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। अगर आपको इससे भी ना समझ में आया तो कुछ दिन में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है आखिरी पलायन कब तक, जो कि हमारे दोस्तों ने इस समय बनाया है, तो आप जरूर देखिएगा। 16 फरवरी को रिलीज होने वाली है। विष्णु शंकर जैन जी ने हाईकोर्ट वाली बात कही, हाईकोर्ट लाचार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड से हटाओ भाई, ये तुम्हारी नहीं है, क्या था ये? आपने देखा होगा कि जब भी आप स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं पे भी जाते होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, और आपसे जब आप उनको नहीं देते हो तो वो किस तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी को पलायन कर लेते हैं, यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, देश में रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड के पास कुल 800,000 से ऊपर प्रॉपर्टी है जो कि आप नेट पर भी चेक कर सकते हो। अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ भी दें, हम सोचे कि ठीक है हम पुलिस थाना करेंगे, कोर्ट जाएंगे, बट अगर आपको ये भी ना पता चल जाए कि जहाँ जिस कोर्ट में आप अगर अप्लाई करोगे वो कोर्ट ही वक्फ बोर्ड के इस पे खड़ा है, यानी वो खुद कोर्ट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट खुद ही उस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड की जगह पे उन्होंने वो प्रॉपर्टी खड़ा की है, तो आप बताइए आप कहाँ जाएंगे? अगर यही चीज़ों को आप लीगल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो विष्णु शंकर जैन सी से अच्छा आपको कोई ये चीजें समझा नहीं सकता, तो चलिए देखते हैं। जो लोग इस देश में सेक्युलरिज्म को भी विश्वास करते हैं, इस कानून, ये जो कानून है वक्फ एक्ट 1995, ये सेक्युलरिज्म का भी मर्डर करता है, उसका जीता जागता उदाहरण है सेक्शन 4, 5 और 6। सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाता है। सेक्शन 6 में पहले ये कानून था कि इसमें नॉन मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 में उसमें अमेंडमेंट करके पर्सन एग्रीव वर्ड यूज कर दिया और अब हिंदू समाज के लोग भी उस सर्वे में इंक्लूडेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिमार्केबल बात है जिसको गौर करना चाहिए, वो ये है कि जैसे लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन, मतलब जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके यहाँ पे आप बता दीजिए। वक्फ एक्ट 1995 में, मुझे सारे पैनल जितने यहाँ बैठे हैं मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, सेक्शन 4, 5 और 6 में जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसको कोई नोटिस देने का प्रावधान ही नहीं है। 8,65,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास, जो कि इस देश में सबसे बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। मान के चलिए अगर इतनी संपत्ति है तो कहीं ना कहीं आपका भी कोई ना कोई संपत्ति हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर सो एंड सो गुड है, और अगर है तो आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं ये सच में हमारी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास तो नहीं चली गई है, और फिर हमें इससे किस तरह से टैकल करना चाहिए, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें क्या लीगल इसका लीगल तरीके से एक्शन लेना चाहिए, ये सारी डिटेल जो है इस मूवी में बताई गई है, जो कि है मूवी का नाम आखिरी पलायन कब तक। तो आप ज़रूर देखिएगा, 16 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। मैं मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह की मूवीज़ की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अभी आने वाले समय में इनका ट्रेलर देखिए फिर आगे बात करते हैं। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा कौन है? सर कोई तख्त बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है और आपको एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गाँव की जमीन और 1,500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्त ने हथियार रखा है। मेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग, क्या चल रहा है ये तमाशा चल रहा है।
इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। इस ट्रेलर से आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में किस तरह से आपको धक्के मार के निकाल दिया जा सकता है और किस तरह बसा बसाया घर को आपको तोड़ दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए, हमको किस तरह से एक्शन उठाना चाहिए। इन सब चीज़ों का डिटेल आपको इस मूवी में मिल जाएगा, तो आप वो भी एक बार जरूर देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से हमसे क्या मतलब, मतलब हमारा क्या मतलब, हम तो बिहार के या यूपी के कोई छोटे से गाँव में रहते हैं, यहाँ कौन सा वक्त उड़ाने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब फंस चुके हैं। यहाँ तक अंबानी का जो बॉम्बे में हाउस है, एंटेलिया हाउस, उसको भी वक्फ बोर्ड कहती है कि वो हमारी ज़मीन पे बनाया गया है। और उनको कुछ एंटी नेता लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। बम्बई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, गलत तो नहीं कर। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। चीजों को लेके बीजेपी ने जब संसद में बात उठाई तो कुछ ऐसे नेता लोग हैं जिन्होंने बहुत अपोज किया और अपोज करने के बाद बीजेपी को गलत साबित किया और फिर बाद में ये बोलते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करेंगे? दिल्ली की 70% प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। जिस कोर्ट में आप लड़ने जा रहे हो, दिल्ली कोर्ट, वो भी वक्फ बोर्ड के ऊपर है। वो भी कोर्ट भी अपना केस वक्फ लड़ रहा है कोर्ट में, तो आप कहाँ जाओगे भाई? जिस कोर्ट में लड़ने जाना वो भी अपना केस खुद ही नहीं जीत पा रहा है, तो वो आप कैसे वो इन सब चीज़ों से टैकल करो। फिर बाद में कुछ ऐसे धूर्त और जिनकी कम बुद्धि वाले, मदरसे से पढ़े वाले, जो ऑस्ट्रेलिया के मदरसे से पढ़े हुए वाले जो नेता है, वो कुछ इस तरह से बोलते हैं। सर्वे के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम करना है। $1 trillion इकोनॉमी की मैं इतना ही कहना चाहूंगी, देश का हर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अधीन है। संसद की गरिमा और संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। किसी भी वक्फ बोर्ड के पास ये इजाजत नहीं है कि वो किसी फतवे को गवर्नमेंट ऑर्डर में तब्दील कर दे। किसी भी वक्फ बोर्ड के पास ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति, किसी समुदाय को किसी धर्म से निष्कासित कर दे। हमने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, उनसे निवेदन किया है कि फैक्ट्स को वो हम सबके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि अहमदिया मुस्लिम समाज ने अल्पसंख्यक मंत्रालय में अपील की थी। भले ही मैं आपके सामने चाहे जितना भी बोल दूं, अभी भी कुछ लोग होंगे जो मुझे बोलते होंगे कि यार ये बीजेपी का, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कोई बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहा है, बात कर रहा है सही और गलत की। अब जैसे अगर बीजेपी लाता है तो पार्टियाँ, अलग अलग पार्टियाँ यही बोलती है कि नहीं, बीजेपी ने लाया, ये तो गलत है। लेकिन ये नहीं सोचेगी कि ये सही है या गलत है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जरूर सोचिएगा। अरे ममता ने ये कहा है तो आप उनका सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप ममता पार्टी को सपोर्ट करोगे। अखिलेश ने कहा है तो भैया आप अखिलेश की पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो अखिलेश सही है। लेकिन आप में सही और गलत का फैसला लेने का निर्णय नहीं है ना, तो आप वो निर्णय को देखिए, आप सही और गलत को देखिए। जरूरी नहीं कि आप तमिलनाडु से हो, आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, जरूरी नहीं कि आप कांग्रेस से हो, SP से हो, BSP से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको सही और गलत लेने का फैसला होना चाहिए। आज दिल्ली की 70% प्रॉपर्टी उनके अगेंस्ट, उनके पास चली गई है, कल को आपका घर भी हो सकता है, हमारा घर भी हो सकता है। तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस तरह इसके अगेंस्ट हमको लीगल एक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो जरूर देखना, शायद आपके कुछ समझ में आ जाए। वक्फ बोर्ड वाले लोग इतनी पीड़ित माइनॉरिटी के लोग हैं यार, थोड़ी जमीन अगर लेना चाहते तो लेने, तो क्या तकलीफ है? सर, वक्फ बोर्ड ने आपके पिताजी का घर क्लेम कर लिया। अच्छा, कोई नहीं यार, सेक्युलरिज्म के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकते। सर, वक्फ बोर्ड ने आपकी गाड़ी भी क्लेम कर ली। चलो कोई नहीं यार, सेक्युलरिज्म के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकते हैं। यार आज डार्लिंग मैं और तुम पनीर की सब्जी मिलके बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। बे, ये सब्जी की दुकान कहाँ गई? अरे वो सर कल ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया उसको। बे, चलो ठीक है भाई, दे देंगे बलिदान सेक्युलरिज्म के लिए। चलो यार डार्लिंग घर चल। डार्लिंग, अरे कहाँ गई? सर वक्फ बोर्ड ने।
अब ये भी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ना समझ में आया तो फिर भैया इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। और बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह से बोलना सही नहीं है और वो तो बेचारे कुछ नहीं, ठीक है ऐसी वैसी करके बात छोड़ दीजिए, तो ठीक है छोड़ दीजिए। मैं दुआ करूंगा कि भैया कुछ दिन बाद इस वीडियो में जैसे दिखाया है कि आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बीवी ले जाएंगे, तब भी आप बोलना नहीं 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 सब ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने भी ऐसा कुछ सुना है, देखा है, आपके अगल बगल कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, अपनी स्टोरी शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो स्टोरी कवर करूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।